हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल दूध की रेसिपी। अगर इस तरीके से आप दूध बनाकर 6 से 7 दिन भी पी लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट प्रोटीन की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि कैल्शियम की कमी है, अगर खून की कमी हो जाती है, कमर दर्द रहता है या फिर आपको घुटने का दर्द रहता है, तो ये सारी परेशानियों के लिए जो आज की रेसिपी है बहुत ही काम की है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है ललिता और आप देख रहे हैं 7 स्टार किचन। तो चलिए फिर अपनी स्वीट सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात ये भी है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो ये डायबिटिक अगर कोई आपके घर में है उन्हें भी आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे 10 से 12 भीगे हुए छुहारे। मैंने यहाँ पर इसे दूध में भिगा कर लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। एक कटोरी मैंने यहाँ पर दूध लिया था और 10 से 12 छुहारे ले लिए थे। मैंने यहाँ पर छुहारे का इस्तेमाल किया है, यानी सूखे हुए जो खजूर होते हैं ये वो होता है। आप चाहें तो इसकी जगह डायरेक्ट खजूर भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खजूर में कभी कभी मिट्टी वगैरह होती है जिसे हम अच्छे से धोकर यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छुहारे लिए हैं। छुहारे को मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके 2-3 बार दूध में भिगा कर रख दिया था। अब हमें करना ये है कि एक एक छुहारा हम लेंगे और इसका जो सेंटर में बीज होता है उसे हमें कट करके निकाल देना है। भिगाने की वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से कट जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक पीस खोल लेते हैं और इसका जो ये टॉप है ये हटा देना है। और इसका बीज भी निकाल देंगे। इसी तरीके से हम सारे छुहारे रेडी कर लेंगे। अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो हमारी डाइजेशन के लिए प्लस इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, सल्फेट, पोटेशियम हो गया, विटामिन भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, बी विटामिन हो गया। छुहारों को खाने से हमारे बॉडी में अगर खून की कमी होती है तो वो भी पूरी हो जाती है। आजकल की ज़िंदगी हमारी जो इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है, हमें अपने ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो शाम को अगर इस तरीके से आप 6 से 7 दिन भी दूध पी लेते हैं तो चक्कर आना, कमजोरी होना, थकावट होना, ये सब शिकायतें भी आपकी दूर हो जाएंगी। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ही आप ये दूध इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। तो ये सारे खजूर के बीज मैंने निकाल लिए हैं और जो ये दूध बचा है इसे भी हमें फेंकना नहीं है, आगे रेसिपी में हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये छुहारे के साथ साथ मैंने इस दूध को बनाने के लिए यहाँ पर 10 से 12 बादाम भी लिए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है जो बादाम होता है हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ई हो गया, के हो गया, प्रोटीन होता है, मैग्नीशियम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ये मल्टी विटामिन से भरपूर होता है, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बादाम को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें ताकि आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहे। बादाम को मैं यहाँ पर छोटा छोटा चॉप करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर बादाम को पीस कर भी ले सकते हैं, यानी कूट कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ये दूध तैयार कर रहे हैं इसमें इस तरीके से चॉप करके बादाम अगर आप डालेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े मुँह में आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बादाम हमारे चॉप हो गए हैं, एक बोल में से हम साइड में रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो ये छुहारे रेडी करके रखे थे इन्हें भी हम पीस लेंगे। पीसने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और कटोरी में जो हमारे पास दूध बचा था उसमें से 3-4 चम्मच दूध हम इसमें डाल देंगे और पीस कर हम इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। 1/2 लीटर मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। दूध को अब हम गर्म कर लेंगे। जो मैंने ये दूध लिया है ये पहले से बॉयल्ड है तो मैं इसे बॉयल होने का वेट नहीं कर रही हूँ। हमने जो छुहारा तैयार किया था वो हम इसमें अब डाल देंगे। मैंने यहाँ पर टोन मिल्क लिया है क्योंकि हम ये दूध बना रहे हैं डेली यूज़ के लिए। अगर आप टोन मिल्क की जगह फुल फैट मिल्क यूज़ करेंगे तो बिना वजह ही आपका वज़न बढ़ सकता है। अगर आपका वज़न कम है और वज़न आप बढ़ाना चाहते हैं तो टोन मिल्क की जगह फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करें। इसे एक बार घोल देते हैं। फ्लेम को अभी मैंने लो ही रखा है। मैं आपको एक काम की बात बता देती हूँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं लगभग 2 से लेकर 4 साल के बीच में, प्री नर्सरी में है यानी कि, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसका नाम है किक स्टार्ट फ्लैश कार्ड फॉर बेबी। इसमें तरह तरह के फ्लैश कार्ड्स हैं, जैसे ABCD हो गया, काखा गाघा हो गया, 1 2 3 हो गया और भी बहुत सारे फ्लैश कार्ड हैं जिनकी हेल्प से आप छोटे बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो आप एक बार लिंक ज़रूर चेक करिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 पिंच यानी कि लगभग 1/4 चम्मच हल्दी ली है, ये हम इसमें डाल देंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा जो हल्दी होती है उसमें बहुत सारे फ़ायदे पाए जाते हैं। ये एंटी एजिंग होती है और बॉडी में किसी भी तरीके का पेन को ये दूर करती है।
तो डेली अगर आप दूध में हल्दी का सेवन करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिला लेंगे। अब हमने जो बादाम का पाउडर तैयार करके रखा था ये भी हम इसमें डाल देते हैं, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का एक टुकड़ा। तो ये मैंने लगभग 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। दालचीनी जो होती है हमारी बॉडी में कई तरह के फ़ायदे देती है, जैसे कि एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, और ये एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो अगर इसे आप रेगुलर डाइट में लेते हैं तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बॉडी में पेन नहीं होगा, किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा, और इसका जो दूध में फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। इसे आप बीच बीच में 1-2 बार चला जरूर दें ताकि जो दूध है और बाकी चीज़ें हैं वो तले में चिपके नहीं। इस दूध को आप अगर 6 से 7 दिन तक भी अपनी डेली डाइट में इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, अनीमिया नहीं होगा, खून की कमी पूरी हो जाएगी, दिमाग तेज होता है, इससे दिमागी जो संतुलन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। कभी कभी चक्कर आने की शिकायत हो जाती है, ये सब शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी, और पीने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें डली हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें हम कोई भी चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो ये रेसिपी डायबिटिक फ्रेंडली भी है क्योंकि हमने यहाँ पर नेचुरल शुगर का यूज़ किया है। तो ये आप डायबिटीज़ वाले लोगों को भी दे सकते हैं। तो दूध को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, इसमें हमने जो सिनेमन स्टिक डाली थी यानी दालचीनी डाला था इसे हम पहले से निकाल लेंगे सर्व करने से पहले ही, ताकि ये मुँह में आए। इसका जो भी तत्व था वो दूध में आ चुका है और इसका फ्लेवर भी आ गया है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। दूध अब रेडी हो गया है, तो इन सर्दियों में इस दूध को गर्मा गर्म सर्व करें और आपके फैमिली में सभी खुश हो जाने वाले हैं। हेल्थ के साथ साथ टेस्ट भी है, तो चलिए फिर सर्व कर लेते हैं।